400 कपल्स के निजी पलों को हिडन कैमरे में कैद कर कमा रहे थे लाखों रुपए। होटल से जुड़े एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां होटल के कमरे में कैमरा छिपा कर निजी पलों को कैद करने का मामला सामने आया। दरअसल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में बड़े पैमाने पर कपल्स के अंतरंग पलों की वीडियो बनाई जा रही थी। यहां 30 होटलों के 42 कमरों में कैमरे को छिपा रखा था और कपल्स के निजी पलों को कैद किया जाता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होटल के कमरों में लगे खुफिया कैमरे ने न सिर्फ इन कपल्स का वीडियो बनाया जाता था, बल्कि इंटरनेट पर इसे लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाता था। साउथ कोरिया में इसे सबसे बड़े जासूसी घटना की करार दिया जा रहा है। मोटल नाम के होटल के 42 कमरों में जासूसी कैमरे लगाकर कपल्स के अंतरंग पलों की वीडियो रिकॉर्ड की गई और इसे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग भी किया गया। जांच होने पर पाया गया कि होटल के डिजिटल टीवी, हेयर ड्रायर होल्डर और वॉल सॉकेट जैसी जगहों पर कैमरे लगाए थे। इन कैमरों से 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाती थी। जिस वेबसाइट से इन वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता था, उसे करीब 4000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था। ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले यूजर्स को $44 यानी करीब 3000 रुपए महीने का चार्ज देना होता था। इतना ही नहीं, कुछ विशेष ग्राहकों को एडिट करने के इस वीडियो को दोबारा देखने का भी ऑप्शन दिया जाता था। मामले में पुलिस का कहना है कि वेबसाइट के पास जो वीडियो मिले हैं, उससे पता चलता है कि 800 कपल्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।